हेलो दोस्त, आज आपको हम बताने वाले हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम मैथ में जो कि पूछा जाता है, जिसमें डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, बीटा फंक्शन, गामा फंक्शन का हो गया, उसके बाद आपका लिमिट का हो गया, इंटीग्रेशन का हो गया, डिफरेंशिएशन का हो गया, मैट्रिक्स का हो गया, आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर हो गया, उसके बाद आपका लिमिट का हो गया। हाँ, इसी तरह से जितने भी क्वेश्चन होते हैं और सारा जो इसका सीक्वेंस, ये हाइपरबोला पैराबोला का कब निकलता है, इक्वेशन कैसे निकालते हैं इसको, तो इस वीडियो में टेंजेंट, नॉर्मल, जितने भी फॉर्मूला है टोटल जो है इसमें हम बता दिए हैं। तो आज फिलहाल इस वीडियो में हम जो कंप्लीट बताने वाले इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। तो आज चलिए स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन का फॉर्मूला। सबसे पहला यहाँ पे फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1 cos 2x / 2 होता है। अच्छा, इसको याद कैसे रखना है, जैसे साइन अगर स्क्वायर रहेगा तो यहाँ पे क्या लगेगा मेरा, माइनस लगेगा, और कॉस स्क्वायर एक्स का पूछेगा तो यहाँ पे क्या लग जाएगा मेरा, प्लस लग जाएगा। ठीक है, आई होप ये वाला याद हो गया होगा। कैसे करना है तो याद रखना है, तो साइन स्क्वायर रहेगा तो इसमें क्या लगेगा, 1 cos 2x / 2 हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर एक्स का पूछेगा तो 1 cos 2x / 2 हो जाएगा। अच्छा, अगर ये भी पूछ सकता है, यहाँ से देखिए बहुत सारा फार्मूला बन सकता है, जैसे पूछ सकता है कि 1 cos 2x बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यानी 2 sin² x हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कि साइन क्यू एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो 3 sin x - sin 3x / 4 होता है, और कॉस क्यू एक्स का क्या फॉर्मूला होता है, 3 cos x + cos 3x / 4 होता है। तो इसमें क्या याद रखना है, देखिए साइन का जैसे आएगा तो क्या लगाना है, यहाँ पर माइनस लगा देना, क्या माइनस लगा देना, और कॉस का जैसे क्यू एक्स का क्या कहेगा, यहाँ पर प्लस लगा देना, क्या करना है, प्लस लगा देना। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए अब ये वाला फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए 2 sin x - cos x, 2 sin x - cos x बराबर क्या होता है, sin 2x होता है, क्या होता है, sin 2x होता है, और tan 2x का फॉर्मूला क्या होता है, tan 2x होता है 2 tan x / 1 / 1 + x, 2 tan x / 1 + tan²x, 1 + tan²x क्या होता है, 1 + tan²x होता है। अब देखिए उसी तरह से इंटीग्रेशन में हम लोग इंटीग्रेशन में आगे बढ़ते हैं, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, -cos x होता है। बहुत सारा स्टूडेंट जो है बोलते हैं कि नहीं सर साइन एक्स होता है, गलत है, वो होता है कॉस में, कॉस का जो डिफरेंशिएशन माइनस होता है, और वही चीज़ यहाँ पे बोलते हैं कि +cos होता है, नहीं होगा। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, -cos x होगा, और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन एक्स होगा, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होगा। अच्छा, टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, log sec x होता है, टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, log sec x। ठीक है, तो कॉट एक्स का इंटीग्रेशन होता है log sin x, कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, log sin x। ठीक है, इसको हम लोग मॉड भी बोलते हैं। सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, log mod sec x + tan x, क्या होगा, सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, log mod है ये, sec x + tan x, क्या होता है, sec x + tan x होता है। ठीक है, अच्छा इसका और भी एक फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है इसका, एक होता है फॉर्मूला log mod tan π/4 + x/2, क्या होता है, log mod, ये mod का साइन दिया हुआ है इसे, तो ये होता है log mod tan π/4 + x/2, क्या होता है, x/2 होता है। उसके बाद उसी तरह से cosec x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो log cosec x - cosec x। अच्छा, इसको याद कैसे रखना है, sec x और cosec x में क्या हमको कॉमन मिला, देखिए sec है तो यहाँ से sec x + tan x हो गया। अच्छा, यहाँ cosec क्या होगा, cosec का cot का, यहाँ पे sec वाला क्या होता है, यहाँ पे पॉजिटिव होता है, और cosec में क्या आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये वाला भी आपको याद हो गया होगा। और इसमें दूसरा फॉर्मूला क्या होता है cosec में, तो cosec में दूसरा फॉर्मूला होता है log tan x / 2 होता है, क्या होता है, log tan x / 2 होता है। हम इस वीडियो को बनाने का मेन मकसद था कि ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बहुत सारा को याद नहीं होता है, तो कैसे उसको याद रख सकते हैं इजी मेथड से, वो चीज़ हम ट्रिक इसमें बताने के लिए हम ये वीडियो बनाए। अच्छा, इंटीग्रेशन में भी बहुत सारा फॉर्मूला, जैसे आपको कहें इंटीग्रेशन ऑफ अपर पावर एक्स इंटू साइन एक्स का अगर इंटीग्रेशन करें, तो ये वाला होता है, ये वाला यू इंटू वी पे इंटीग्रेशन पे बनता है मेरा। तो इस तरह से देखिए इंटीग्रेशन यू इंटू वी डी एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है यू को छोड़ना है, वी का इंटीग्रेट करना है, क्या करना है, यू को छोड़ना है, वी का इंटीग्रेट करना है, माइनस फिर इंटीग्रेट का यहाँ पे साइन लगा देना है, यहाँ पे इंटीग्रेट का साइन लगा देना है, और इंटीग्रेट के अंदर जो है फिर यू का डिफरेंशिएशन करेंगे, क्या करेंगे, यू का डिफरेंशिएट करेंगे, और फिर एक बार जो है इंटीग्रेट करेंगे वी का, क्या करेंगे, वी का इंटीग्रेट करके और टोटल में जो है डी एक्स लगा देंगे। अच्छा, उसमें यू और वी सबसे किसको मानेंगे, तो liat में जो सबसे पहले आएगा उसको हम लोग यू मानेंगे, जैसे li में आईलेट में सबसे पहले क्या आ रहा है, आई मतलब क्या होता है, इनवर्स, जैसे साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, ये होता है इनवर्स। एल मतलब क्या होता है, एल मतलब होता है लॉगरिथम, अगर लॉग वाला रहेगा तो उसको यू मान,
ए मतलब होता है अलजेब्रा, जैसे 3x हो गया, 5x हो गया, ये सब क्या होता है मेरा, ये हो गया इनवर्स ए लॉगरिथम हो गया, ठीक है। उसी तरह से हम यहाँ पे देखिए क्या बच गया, आई हो गया, एल हो गया, ए हो गया, अलजेब्रा हो गया। अब टी से क्या हो गया, ट्रिगो, जैसे साइन एक्स, कॉस एक्स। और ई e क्या होता है, ए मेरा होता है ई फोर होता है एक्सपोनेंशियल, क्या होता है, जैसे ई पर पावर एक्स हो गया, ई पर पावर 3x हो गया, ये सब एक्सपोनेंशियल। इस सब में जितना भी सब जो पहले आएगा उसको हम लोग यू मान लेंगे। तो आई होप ये वाला फॉर्मूला आप लोग को याद हो गया, और ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट जिसमें हम लोग स्टार लगा दिए। जैसे हम बोलें ई पर पावर ए एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो ई पर पावर ए एक्स का इंटीग्रेशन, जैसे ई पर पावर ई एक्स का इंटीग्रेशन आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या होता है, ई पर पावर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है। तो ई पर पावर ए एक्स का, ए एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन ई पर पावर ए एक्स अपॉन ए हो जाए, यानी जो भी कॉन्स्टेंट रहेगा यहाँ पे वो सिर्फ उतर जाता है नीचे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए बताइएगा क्या, यहाँ पे लिखा ही है ई पर पावर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन में कौन सी कोई चीज़ चेंज नहीं होता, यानी सेम का सेम उतर जाता है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है। उसके बाद सम स्पेशल फंक्शन होता है इसका, देखिए इंटीग्रेशन का कुछ स्पेशल फंक्शन होता है जो कि आपको लोग को याद रखना है। कैसे याद रखना है, ये बहुत ज़्यादा तितंबा है, याद ही नहीं होता है बहुत सारा स्टूडेंट को, तो जबकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला स्टार लगा हुआ है। कहते हैं इंटीग्रेशन ऑफ सम स्पेशल फंक्शन, क्या क्या है फंक्शन स्पेशल फंक्शन, तो पहला फंक्शन है कि इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा इस फॉर्मेट में, या इस फॉर्मेट में अगर किसी फार्मूला को हम किसी क्वेश्चन को लाना है और इस फार्मूला से फिर तोड़ना है तो हम उसको लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ ए डी एक्स अपॉन ए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर होता है वन अपॉन टू ए लॉग ए प्लस एक्स बटे ए माइनस एक्स, क्या होता है ए प्लस एक्स बटे ए माइनस एक्स होता है। अच्छा दूसरा फार्मूला क्या होता है डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर क्या एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, वहाँ तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, कन्फ्यूजन नहीं करना है। जब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ऊपर में क्या होगा माइनस होगा, ठीक है। और जब ये कब होगा एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन ए होगा। आई होप ये दोनों समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पर कुछ जो है कुछ इस पर भी जो है क्वेश्चन आता है, जैसे डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी रहेगा, तो इसमें फार्मूला क्या लगेगा, ये एक फार्मूला होता है, ठीक है, ये भी एक फार्मूला होता है, उसी बेस पे क्वेश्चन बनता है। जैसे डी एक्स अपन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रहेगा तो ये क्या होगा, इसका फार्मूला वन अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर होता है वन अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स प्लस एक्स अपॉन ए, क्या होगा एक्स अपॉन ए हो जाएगा। अच्छा उसी तरह से यहाँ पे देखिए सेकंड नंबर में होगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा वन बटे टू ए लॉग एक्स माइनस ए बटे एक्स प्लस ए, ये ऊपर में भी हम फार्मूला भी तुरंत बताएं। तो मेथड ऑफ यहाँ पर देखिए सॉल्व में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स को चेंज करना है डोमिनेटर फ्रॉम द पुट एक्स प्लस सी और जेड एंड डिफरेंट लास्ट यूज दिस फार्मूला, और लास्ट में ये फार्मूला का यूज करना है। उसी तरह से और भी जो है बहुत सारा जो है कॉन्सेप्ट जो है, हाँ यहाँ पर देखिए ऑड और इवन वाला, यहाँ पर समझिए क्या होता है ऑड और इवन वाला। अगर माइनस ए से अगर ए कोई फंक्शन दिया हुआ है तो उसका वैल्यू कभी जीरो हो जाता है, कब होता है तो ये वैल्यू जो है मेरा अगर उस इस फंक्शन की जगह माइनस एक्स पुट कर देंगे और वैल्यू माइनस हो जाता है तो वो फंक्शन जो है मेरा देखो जहाँ जहाँ क्यू है वहाँ एक्स वैल्यू के और यहाँ माइनस आ जाता है तो वो वैल्यू मेरा जीरो हो जाता है। ये ऑड फंक्शन में होता है, ठीक है, ये ऑड फंक्शन में जीरो हो जाता है। इवन फंक्शन में अगर रहेगा तो इसका फार्मूला हो जाता है टू जीरो से ए एफ एक्स डी एक्स, कब जब माइनस एफ एक्स पुट करेंगे और एफ एक्स आ जाएगा तब ये इवन फंक्शन होता है, और इवन फंक्शन के लिए क्या फार्मूला आता है ये होता है। आई होप ये वाला आपको फार्मूला समझ में आ गया होगा, ठीक है, ये वाला फार्मूला आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से, कल नहीं आज मिलते हैं शाम में।